दोस्तों, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेसिड्यू थ्योरम। जैसा कि हम रेसिड्यू के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्या होती है, क्यों होती है, तो दोस्तों जो रेसिड्यू थी हमारी, वो हमारी लॉरेंट सीरीज है, उसकी इन्वेंशन हुई थी। जैसे लॉरेंट सीरीज को जब एक्सपेंड किया जा रहा था, तो उसमें जो 1/z-e का जो कोफिशिएंट था, b1 b2 ऐसे जो थे, bn तक जो जा रहे थे, उसके कोफिशिएंट को हम रेसिड्यू बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे पास दो सीरीज थी, एक टेलर सीरीज थी और एक लॉरेंट सीरीज थी। तो टेलर सीरीज का यूज किस लिए होता था? जब हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो हम टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते थे उसका यूज करके। फिर अगर मेरे पास उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं रह जाता है तो हम लॉरेंट सीरीज का यूज करते थे। तो उसके बारे में बात करते हैं रेसिड्यू के थ्योरम के बारे में। तो जैसा कि हम जान चुके दोस्तों, रेसिड्यू क्या होती है, जो हमारा जो लॉरेंट सीरीज में जो 1/z-e का कोफिशिएंट, उसको रेसिड्यू बोलेंगे। ओके, तो इससे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी एक फंक्शन लेते हैं f(z), ओके, अगर उसको z इसको z नॉट कोई दूसरी पॉइंट ले रहा हूं उसके इक्वल, तो जिस पॉइंट पे वो मेरा फंक्शन था, अगर उसको दूसरे पॉइंट, उसके नेबर पॉइंट पे अगर डिफाइन करना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, अगर डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक फंक्शन है। ओके, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमारा सिंगुलर पॉइंट है। ओके, और अगर उस पॉइंट पे सिमिलर पॉइंट है, ठीक है, लेकिन अगर उसके आसपास जो उसके पॉइंट्स हैं, नेबर जो पॉइंट थे, जैसे z = z0 ले रहा था, लेकिन आस में z = z1 2 3 आसपास जो लाई कर रहे थे, उस पे अगर वैल्यू उसकी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो उसको आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, मतलब आइसोलेट नहीं कर रही है। ओके, तो ये था हमारा दोस्तों एनालिटिक फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो फिर हम रेसिड्यू के बारे में जान चुके हैं कि रेसिड्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके जो दो फॉर्मूले होते हैं, एक था nth ऑर्डर पे था, कि मतलब जब हमारे पास सिंपल पोल पे होगा तब n = 1 जो उसकी पावर होगी। पोल कैसे निकालते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज फंक्शन है मेरे पास कोई f(z), ओके, z-a dz, ओके, अगर मेरे को बोला जाए पोल फाइंड कर कैसे करना है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है दोस्तों, उसके इस बटन 0 पुट करके हम अपनी पोल फाइंड कर सकते हैं। ओके, जो यहां पे n होगा वो उसकी ऑर्डर बताएगा। ओके, अगर n = 1 है दोस्तों, तो z = a, ओके, और ये सिंपल पोल। ओके, अगर ऐसे ही z = -a = स्क्वायर है, = 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, z = a तो होगा लेकिन डबल पोल। तो ये दोस्तों हमारा कैसे हम फाइंड करते हैं अपने रेसिड्यू के पोल को, और कैसे फंक्शन जो हमारा दिया होता है कैसे पोल फाइंड कर लेंगे, कैसे बता पाएंगे कि रेसिड्यू क्या मेथड होगा इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो आइए चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने रेसिड्यू थ्योरम को। तो दोस्तों हम अपने रेसिड्यू थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या बताती है दोस्तों, कि मेरे पास कोई भी ऐसे फंक्शन है f(z), अगर वो किसी पॉइंट पे एनालिटिक है। ओके, जैसे पॉइंट कैसा होना चाहिए, जैसे कोई मेरे को रीजन दिया होगा, सपोज ये रीजन मेरे को दिया होगा सी, इससे डिनोट कर दिया मैंने, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे उस पे एनालिटिक हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन सी, सिवाय किसके, जो कि हमारे कुछ पोल्स इसमें दिए हुए हैं जो कि फाइनाइट नंबर 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं जिन पे ये एनालिटिक नहीं हो रहा है। तो एनालिटिक का मतलब यहां पे ये पोर्शन क्यों आया दोस्तों, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, मतलब बोला जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक हो रहा है लेकिन कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारे दोस्तों रेसिड्यू होती है, वो रेसिड्यू कहां से आती है, लॉरेंट सीरीज से, और लॉरेंट सीरीज किस लिए यूज होता है, नॉन एनालिटिक मतलब जो फंक्शन होते हैं हमारे उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो इसीलिए हमारा पोर्शन ये आया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स में बचेंगे जिसपे एनालिटिक नहीं होगा। ओके, इसीलिए हमारा ये पोर्शन यूज किया जा रहा है। तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, देन समेशन ओवर सॉरी इंटीग्रेशन सी कर्व, हमारे सी में अगर इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फंक्शन f(z) जो हमारा दिया हुआ है dz = 2πi सम ऑफ रेसिड्यू एट द पोल्स विद इन सी। ओके, मतलब जो हमारी पोल्स थी जिस पे वो एनालिटिक नहीं हो रहा है, उसका हम यूज करके हम अपने सम रेसिड्यू बताएंगे। ओके, और उसका इज इक्वल टू हमारा रेसिड्यू थ्योरम बताएगा। तो दोस्तों हमारा ये रेसिड्यू थ्योरम बताता है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हमारे पास सपोज एक सी ले लिया मैंने, कर्व सी से डिनोट कर दिया इसको। ओके, लेट c1 c2 c3 एंड cn, मतलब c1 c2 c3 c4 ऐसे n तक इसमें सर्किल्स मैंने बता दिए। ओके, लेकिन ये कैसे सर्किल होने चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ऐसे सर्किल मैं लूंगा जिसमें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ये भी एक दूसरे अलग अलग काफी दूर दूर है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, विद द सेंटर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इनका सेंटर क्या है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ओके इनके सेंटर दिए हुए हैं, लेकिन इनकी जो रेडियस है दोस्तों वो काफी स्मॉल है, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट मान के इसमें दिखाया नहीं है, ओके मतलब कौची सर ने बताया था कि जो रेसिडिक सर ने बताया गया था कि जब इन्होंने सर्किल लिया था तो ए वन उसका सेंटर ले लिया था, सी वन का जो सर्किल था, फिर ए टू जो सी टू सर्किल था ऐसे, लेकिन जो रेडियस थी इनकी उसको काफी नेग्लिजिबल मान के उसको छोड़ दिया गया था, ओके मतलब दिखाया नहीं गया। देन एफ जेड इज एनालिटिक इन द मल्टीपल कनेक्टेड रीजन लाइन द लाइन बिटवीन कर्व सी, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन मतलब जैसे एक ये एक दूसरे से कनेक्ट है लेकिन ये है इसके अंदर, फिर ये अपने आप में कनेक्टेड है, एक सर्किल इधर है, एक सर्किल इधर है, एक सर्किल इधर, मतलब अलग अलग काफी कनेक्टेड रीजन को इसमें यूज किया गया है, ओके। मल्टीपल कनेक्टेड रीजन वो होता है दोस्तों जिसमें मल्टीपल कनेक्शन यूज किए जाते हैं काफी रीजन के, ओके जैसे सिंपल कनेक्टेड रीजन में क्या होगा दोस्तों, जैसे एक कर्व लूंगा और सिंपली कई सारे कर्व से वो कनेक्टेड होगा तो उसको हम सिंपल कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने फॉर्मूले का अप्लाई, इसमें हम दोस्तों कॉची थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब हम अपनी कॉची थ्योरम को अप्लाई करेंगे कैसे, जैसे मेरे पास जो कर्व था ऐसे, इसमें सी वन सी टू सी थ्री सी फोर ऐसे थे हमारे, जैसे सी वन सी टू सी थ्री, इनके सेंटर क्या थे दोस्तों ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर, ओके। अगर मैं इसमें रेसिड्यू थ्योरम या फिर कॉची थ्योरम में अप्लाई करता हूं, कॉची थ्योरम अप्लाइंग कॉसिस थ्योरम, तो दोस्तों क्या होगी, जैसे टोटल कर्व सी है ठीक है, तो पूरे कर्व सी के अंदर जो हमारा इंटीग्रल होगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू रेसिड्यू पॉइंट, रेसिड्यू होगा हमारा ये बार हो जाएगा दोस्तों सी वन एफ जेड डी जेड, ओके प्लस सी टू एफ जेड डी जेड प्लस सी थ्री ऐसे एन तक जाएगा दोस्तों, ओके। ये कैसे दोस्तों, जैसे मुझे अगर इस जो फंक्शन दिया हुआ है पूरे कर्व का मुझे इंटीग्रल अगर पता हो गया तो वो किसके इक्वल होगा, इसका एक इंटीग्रल फिर इसका एक इंटीग्रल, मतलब जितने पॉइंट्स उसको दिए होंगे उस कर्व के अंदर उसके इंटीग्रल के सम के इक्वल होगा। तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे दोस्तों एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई, ओके रेसिड्यू एफ ए वन प्लस रेसिड्यू एफ ए टू रेसिड्यू फंक्शन एफ ए टू ए थ्री फिर रेसिड्यू एफ ऐसे इसके इक्वल होगा, ओके मतलब ये क्या बोला जा रहा है दोस्तों, मैं उस फंक्शन का पोल निकालूंगा पहले, ओके फिर जितने भी पोल्स आएंगे सपोज दो तीन चार ऐसे तीन पोल आते हैं मेरे, तो इसका इस फंक्शन को मैं इसके इक्वल लिख दूंगा, मतलब उस सी सी उसका कर्व हो जाएगा एफ जेड वहां पर फंक्शन और डी जेड उसका इंटीग्रल अगर करता हूं तो पहले मैं फंक्शन को सी वन जो हमारी कर्व आएगी उसके अकॉर्डिंग पहले उसको डिफरेंशिएट करूंगा, ओके सॉरी इंटीग्रेट करूंगा, फिर जो दूसरा कर्व होगा उसमें इंटीग्रेट करूंगा, फिर तीसरा ऐसे करके मैं फिर उसको कैसे लिखते हैं टू पाई आई रेसिड्यू एफ ए वन ऐसे मतलब इजिली लिख सकते हैं, उसके बाद सम करके टू पाई ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉची रेसिड्यू जो थ्योरम है हमारी कैसे प्रूफ होगी, ओके कैसे हमारी वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारा फंक्शन क्या है एफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड, जो इंटीग्रेट में जो हम इंटीग्रल में हमारा फंक्शन जो होता है उसको हम इंटीग्रेट बोलते हैं जेड टू माइनस जेड, ओके हमारे पास क्या दिया वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू वन। तो दोस्तों रेसिड्यू थ्योरम में आज तक मैंने सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज देखी है वो है हमारा ये मॉड जेड इज इक्वल टू वन, समटाइम्स जेड माइनस टू मॉड जेड इज इक्वल टू वन ऐसा दिया रहता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें ये क्या है। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये क्या है। तो दोस्तों जो मॉड जेड इक्वल टू वन दिया है, सपोज मैं जेड इक्वल टू क्या जानता हूं, जेड इक्वल टू मेरे पास एक्स प्लस आई वाई है, ओके तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों जब मॉड लेते हैं किसी भी चीज का तो उसका जो कोफिशियंट होता है उसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का कोफिशियंट उसका होल स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में होता है, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का होल स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ओके। लेकिन इसके इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों हमारा, वन, ओके। तो मॉड सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन दिया हुआ, मतलब इक्वेट करेंगे इस तीनों इक्वेशंस को तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, मतलब इसका दोनों साइड का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ओके। तो इसको हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक सर्कल होता है, अगर सर्कल मेरे पास दिया हुआ है, सर्कल की जो ये क्या होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए जो होता है और बी होता है वो हमारा सेंटर होता है, ओके, और जो आर होता है हमारा रेडियस होता है, ओके। तो यहां से हमारा क्या दिख रहा है दोस्तों, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन का होल स्क्वायर। तो हमारा यहां पे क्या क्या चीज है दोस्तों, सेंटर जीरो जीरो, मतलब सेंटर नहीं दिया रहेगा, रेडियस हमारी क्या है दोस्तों वन। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या था, सेंटर क्या था हमारा, सेंटर जीरो जीरो, रेडियस हमारा वन, ओके। तो हम एक ऐसा सर्किल बनाते हैं जिसमें हमारा सेंटर जीरो जीरो हो, जीरो जीरो लेकिन रेडियस क्या हमारी वन हो, तो रेडियस हमारी दोनों साइड होती है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसे नहीं देखा जाए, मॉड जेड ये भी बताता है, वैसे तो बोल चुका है दोस्तों कि इसका रेडियस सर्कल है तो ये रेडियस ही बताएगा, लेकिन अगर मॉड जेड को देखा जाए तो इस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन भी दिखाएगा, जिससे हमें आसानी होगी, ये प्लस वन और ये माइनस वन, ओके। तो हम अपना फंक्शन में जाते हैं दोस्तों, में अब पोल्स निकालेंगे, पोल्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया होता है दोस्तों उसके डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं, तो हमारा क्या है जेड टू माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारा जेड इज इक्वल टू जीरो और टू, ओके। तो ये जेड इज इक्वल टू जीरो टू दिया है दोस्तों, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारा जो सेंटर है जीरो जीरो है लेकिन रेडियस क्या है दोस्तों वन है, तो मतलब जो हमारा सर्कल होना चाहिए उसके पॉइंट वन के अंदर आने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो रहा है जो कि उसके बाहर चला रहा है, मतलब ये सपोज यहां पे आएगा तो इस पे तो हमारा रेसिड्यू निकल नहीं सकता, तो बस हम इसके अंदर इस सर्कल में देखेंगे कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, वो है हमारा जीरो, तो उस पॉइंट पे हम अपनी रेसिड्यू निकालेंगे, ओके। दोस्तों हमने पोल्स निकाल लिए, पोल्स क्या थे दोस्तों हमारे, पोल्स इज इक्वल टू जीरो एंड टू, ओके। तो हमारा z z हमारा किस में बस है वन में, तो टू हमारा बाहर चला जा रहा है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारा रेसिड्यू की इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रेसिड्यू अगर f a का निकालना है तो हमारे क्या होगा, टू पाई आई रेसिड्यू f जीरो, मतलब एक पॉइंट हमारे पास उसमें बस हम रेसिड्यू निकालेंगे, ओके। और लेकिन रेसिड्यू f जीरो इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारे पास क्या है दोस्तों, सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल हमारा क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, वो हम सिंपल पोल में जो लिमिट वाला फॉर्मूला था उसको हम यूज करेंगे, उसमें क्या होता है दोस्तों, लिमिट z टेंड्स टू a, ओके, z माइनस a f z, तो इसमें हमारा z a क्या है दोस्तों, हमारा लिमिट z टेंड्स टू 0 z इनटू 1 प्लस z f z, हमारा क्या है दोस्तों ये रहा 1 प्लस z अपॉन z 2 माइनस z, ओके। तो इसमें हम z इज इक्वल टू 0 पुट करने पे यहां से जेड से जेड कट जाएगा दोस्तों, जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर पे वन अपॉन टू माइनस जीरो, तो ये वन बाई टू, तो हमारा दोस्तों रेसिड्यू क्या आ जाएगा, हमारा रेसिड्यू एफ ए जो होगा फाइनल वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टू पाई आई इन टू वन अपॉन टू, तो टू से ये फाइनल हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइव आई, तो इसका जो आंसर आएगा रेसिड्यू का वो हमारा पाई आई होगा, ओके दोस्तों। ये था हमारा रेसिड्यू सॉल्व करने का एक एग्जांपल था, इसको मैं और ज्यादा अच्छे से अच्छे एग्जांपल लेके आने वाला हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी मेरी इसके सबसे जो टफ एग्जांपल होते हैं उसी के बारे में वो वीडियोस होंगी, ओके। सो प्लीज इसको देखने के बाद उस वीडियोस को जरूर देखिए जिससे आपको अच्छे समझ आए कि मॉड जेड और जेड माइनस टू का क्या रिलेशन होता है, जिससे कंफ्यूजन हो जाती है, ओके दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।